आसिफ शेख यांची आयुक्तांवर टीका. मालेगाव महानगरपालिकेचे आयुक्त भालचंद्र गोसावी हे भ्रष्टाचारी आहेत. त्यांनी बदलापूर येथे केलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी आजही केसेस सुरू आहेत. मालेगावातील भुयारी गटार योजनेसंदर्भात 100 कोटीचे नुकसान महापालिकेला होणार आहे. भुयारी गटार कामाचे आलेले टेंडर्स आयुक्त मग का उघडत नाही तसा सवाल करून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष व माजी आमदार आसिफ शेख म्हणाले की त्यावर आपण बोट ठेवल्याने आयुक्त गोसावी आपल्यावर काहीही आरोप करत सुटले आहेत. ईडीच काय, कोणत्याही चौकशीला आपण सामोरे जायला तयार आहोत. पीडब्ल्यूडी के अंदर भी वही रास्ते प्रपोज किए जा रहे हैं, कॉर्पोरेशन में भी वही रास्ते प्रपोज किए जा रहे हैं. एक एजेंसी कॉर्पोरेशन की तरफ से काम हो रहा है, बिल दो तरफ से निकल रहे, सब मटेरियल धीरे धीरे आ रहा है. अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, इंशाल्लाह उसका अंजाम भी जल्द किया जाए. तो भ्रष्टाचार कॉर्पोरेशन के अंदर जो हो रहा है, मंत्री महोदय, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ, मंत्री महोदय बहुत मंत्री है, लेकिन जो मालेगांव महानगर पालिका नासिक जिले के अंदर आती है, यहाँ जो भ्रष्टाचार है वो रोक लेना चाहिए. हम लोग को ना पत्रकार परिषद लेना पड़ेंगे, ना आंदोलन करना पड़ेगा. हम सबकी राजधानी, ला 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 राजधानी, ओ राजधानी, राजधानी गारमेंट जंक्शन लेडीज. और अंडरग्राउंड ड्रेनेज की जो लड़ाई चल रही है, 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का शंका है, अंदाज हमारा है कि भ्रष्टाचार किया जाने वाला है. वो जो लड़ाई हमारी चल रही है, 14 अगस्त को टेंडर सबमिशन हो गया, आज 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक टेंडर ओपन नहीं किया जा रहा है. और एमजीपी के ऊपर डाला जा रहा है कि एमजीपी ने कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे. सवाल ये है कि जब एमजीपी को काम नहीं करना था तो फिर टेंडर क्यों बनाया गया, टेंडर डॉक्यूमेंट क्यों तैयार किया गया, एस्टिमेट क्यों बनाया गया, डिजाइन किसने बनाया, एमजीपी ने, क्या वजह है कि उन पर भी दबाव है क्या कि वो गलत नहीं करना चाहते, इसके लिए उन्होंने काम छोड़ दिया क्या? तो ठीक है, ये टेक्निकली बात है, लेकिन शहर का नुकसान हो रहा है, भ्रष्टाचार होने वाला है. 100 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार होगा, तो उसकी लड़ाई हमारी जो जारी है, हाईकोर्ट तक हमारी लड़ाई जारी है. टेंडर क्यों ओपन नहीं किया जा रहा, इस ताल्लुक से भी बात की गई. बहरहाल कुल मिला के शहर के अंदर और सेंट्रल असेंबली हलके के अंदर जानबूझकर भेदभाव किया जा रहा है, कामकाज के ताल्लुक से प्रशासक की तरफ से अधिकारियों पर दबाव है. इसके लिए आज हम लोग आए थे, दोबारा उन्होंने वादा किया कि 2 दिन के अंदर हम लोग प्रोसीजर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, 2-3 दिन इंतजार करेंगे, नहीं करेंगे तो दोबारा आएंगे. आप बार तो बार इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर, हमको आज आना पड़ा. आपका बार बार 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होने का आरोप है, इस पर कमिश्नर ने कहा कि क्या वो भविष्यवाणी करते है, क्या उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि 100 करोड़ का भ्रष्टाचार होने वाला है, इस पर क्या कहेंगे? कमिश्नर असल में चोर आदमी है, उन पर चोरी का इल्जाम है, भ्रष्टाचार का इल्जाम है, एफआईआर हुई, जेल जा चुके. कमिश्नर अगर कोई दूध का धोया हुआ रहता है, ईमानदार होता, तो मैं मेरी बात वापस ले सकता था, लेकिन आज दोबारा बोल रहा हूं कि अगर कमिश्नर ईमानदार है तो मीडिया के सामने अंडरग्राउंड ड्रेनेज का चारों टेंडर ओपन करना और किसका कितना आबो आया है, जो सबसे ज्यादा आबो आया है वो उसका तुम लोग हिसाब मार लेना. अगर 100 करोड़ से ज्यादा आबो टेंडर निकलेगा, 100 करोड़ कॉर्पोरेशन का नुकसान होगा. मैं चैलेंज से बोलता हूं, असल में नीयत में खोट है. और वो बोलते हैं ना कि मैंने ऐसी नस के ऊपर हाथ रखा हूं कि वो बहुत दर्द हो रहा है, और यही दर्द कमिश्नर का छलक पड़ा, अपनी जबान से बाहर निकलना पड़ा. मैं भी उनको अब शब्द बोल सकता हूं, लेकिन एक अधिकारी को यह शोभा नहीं देता जैसा स्टेटमेंट दिया गया. अगर उनको ऐसा स्टेटमेंट देना है तो आरएसएस के, जो आरएसएस के सत्र सहायक के अंदर, आरएसएस की ट्रेनिंग सेंटर के अंदर भाजपा के लोग तैयार होते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता तैयार होते हैं. कमिश्नर साहब को भी मशवरा है कि वो भी जाके भाजपा के आरएसएस के ट्रेनिंग लेकर आए, और अगर इतना ही सियासत करने का शौक है तो
कमिश्नर साहब ने मालेगांव से इलेक्शन ही लड़ लेना और हमारे कार्यकर्ता उनके सामने इलेक्शन लड़ने के लिए हम लोग सब तैयार रहेंगे, लेकिन सियासी स्टेटमेंट देकर अगर वो सोचे मैं छुप जाऊंगा तो देखो चोरी किसी की छुपती नहीं है। जो आदमी ने बदलापुर में चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है, वो चोरी बोला जाएगा। उन्होंने आज तक भी केस चल रहे, धमकी भरा। उन्होंने ये भी कहा कि 20 साल में किसने क्या किया वो हमको भी, मतलब हमारे को भी सब ऑफिस मालूम है, दफ्तर हमको भी मालूम है। बिल्कुल, अगर शेख आसिफ शेख रशीद के खिलाफ में कमिश्नर के पास अगर कुछ मटेरियल होगा तो उन्होंने भी मेरे खिलाफ में एडी तक, सीबीआई तक, एनआईए तक, जहां जहां उनको जाने वो जाइए, उसके लिए वेलकम। मैं लड़ाई हर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहता हूं और मैं आज भी उनके चैलेंज को कबूल करता हूं। दूसरी बात, उन्होंने हमारे एक बोले बाजू में बैठ के 10 बच्चे पैदा करने वाले है, वो ऐसे लोग की कार्रवाई कौन करेगा? वो तो कोर्ट फैसला करेंगी कि किसके 10 बच्चे हैं, किसके 12 बच्चे हैं, किसके 2 बच्चे, इनको अधिकार नहीं है। लेकिन ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर सकते हो, कमिश्नर साहब की बस की बात नहीं। पालक मंत्री 2 बार आरोप लगाए बिना नाम लिए कि रोज पत्रकार परिषद ले, हफ्ते में पत्रकार परिषद ले, मेरे पे आरोप लगाए, इल्जाम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं काम और विकास से उनका जवाब देता हूं। तो भ्रष्टाचार कारपोरेशन के अंदर जो हो रहा है, मंत्री महोदय, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूं, मंत्री महोदय बहुत मंत्री है, लेकिन जो मालेगांव महानगर पालिका नासिक जिले के अंदर आती है, यहां जो भ्रष्टाचार है वो रोक लेना चाहिए। हम लोग को ना पत्रकार परिषद लेना पड़ेंगी ना आंदोलन करना पड़ेगा, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लूटमार हम नहीं देख सकते शहर की, यहां पर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हो रहा। अभी कुछ मैं और करीब करीब पहुंच रहा हूं, पीडब्ल्यूडी के अंदर भी वही रास्ते प्रपोज किए जा रहे हैं, कारपोरेशन में भी वही रास्ते प्रपोज किए जा रहे हैं। एक एजेंसी कारपोरेशन की तरफ से काम हो रहा है, बिल 2 तरफ से निकल रहे, सब मटेरियल धीरे धीरे आ रहा है। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, इंशाल्लाह उसका अंजाम भी जल्द किया जाएगा।